हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ईरान युद्ध में इसराइल की मदद क्यों नहीं कर रहा अमेरिका? हाँ, कह रहे हैं अमेरिका नहीं कर रहा इसराइल की। मुझे तो ये समझ में आ रहा है, मुझे तो भैया हम मेरे हिसाब से तो कर रहा है मदद, पर लेट्स सी क्या है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इतना मारा है सब इजराइल को, ये सब इतना मारा है सब कि परेशान हो कि उसने आयरन डोम बनाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब किसके पीछे पड़ गया? सब ईरान के पीछे। ये लोग एकदम कमजोर देश पे हमला करते हैं। अफगानिस्तान, जिसके पास एयरफोर्स नहीं था, गाजा, जिसके पास ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना एयर डिफेंस है, ना मिसाइल है, ना हेलीकॉप्टर है, तो वहां मारते हैं। हमारा हथियार तगड़ा है। रशिया का जहाज SU-35 तीन बार उसको शूट डाउन किया। अमेरिकी हथियार शक्तिशाली नहीं है। जो देश को जितना टॉर्चर किया जाएगा ना, जितना टॉर्चर किया जाएगा, वो लड़ना सीख जाएगा। इजराइल जब देश बना था ना, तो यूरोप देश वाला उसको पैदा होते मारा था सब। एक दिन देश था, एक दिन पुराना देश था, हमला कर दिया। सो कौन? अरब वाला सबको दौड़ा दौड़ा मारा था। कौन? इजराइल। सबको लड़ते 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 इतना मारा है सब ने इजराइल को, ये सब इतना मारा है सब कि परेशान हो कि उसने आयरन डोम बनाया है। कहा कि सोच रहा तुम्हें 24 घंटा तो मिसाइलें मारते रहता है जहां तहां से कोई। ठीक है, यही रीजन है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब किसके पीछे पड़ गया? सब ईरान के पीछे। ईरानों बना लिया मिसाइल। अभी कह रहा है ना कि आओ तोरा बताते हैं। एक चीज याद रखना, अमेरिकी हथियार शक्तिशाली नहीं है। ये लोग एकदम कमजोर देश पे हमला करते हैं। अफगानिस्तान, जिसके पास एयरफोर्स नहीं था, गाजा, जिसके पास ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना एयर डिफेंस है, ना मिसाइल है, ना हेलीकॉप्टर है, तो वहां मारते हैं। कहते हमारा हथियार तगड़ा है। अभी डर के मारे हथियार लेके नहीं आ रहा ईरान में। जानते क्या है? ईरान मार के गिरा देगा हथियार, वहां हो जाएगा बेइज्जती। लाया तो था पाकिस्तान F-16, अभिनंदन मार के गिरा दिए। घुमाए तो इन्हों का इंजन बंद हो गया। F-16 मार के गिरा दिया। PNS गाजी भारत मार के डुबा दिया। अमेरिका का हथियार था, पाकिस्तान को दिया था। इन सब का हथियार जो होते हैं सब नहीं देना। एक बार F-22 अमेरिका का जहाज था। कहा कि इसको कोई नहीं रडार में देख सकता है। रशिया का जहाज SU-35 तीन बार उसको शूट डाउन किया। बिना मिसाइल का लॉक कर लिया जाता सॉफ्टवेयर पे। अमेरिका पगला गया। कहा कि आज के बाद हम इस जहाज को रशिया के साथ नहीं ले जाएंगे। मार के गिरा दे रहा है। अंगारा ही नहीं आ रहा है। ईरान से हम लोग को फायदा है? हाँ, फायदा है कि नहीं? क्या ईरान पाकिस्तान का सपोर्ट करता है ना? जब बात आती है इंडिया पाकिस्तान में, तो हमेशा किसका सपोर्ट करता है? इंडिया का सपोर्ट करता। अच्छी बात है कि नहीं है? उसने हम लोग को यहाँ चाबहार एयरपोर्ट दिया, बंदरगाह दिया। यहाँ पे देखिए चाबहार, अभी कहा था कश्मीर में अट्रॉसिटीज हो रही हैं। ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पे चाबहार बंदरगाह होगा, लिखा है यहाँ चाबहार बंदरगाह। किसको? इसको डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कौन लिया? ठीक है कि नहीं? अब पाकिस्तान का ये ग्वादर है, तो यहाँ से हम लोग ने क्या बनाया है? चाबहार एयरपोर्ट। अब यहाँ से ऊपर जाहेदान एक शहर होगा, एकदम कोनवा पे, देखिए पाकिस्तान के कोना पे, एकदम जाहेदान। जाहेदान मिल गया। जाहेदान तक भारत रेलवे लाइन बिछा रहा है। क्या बन जाए? रेलवे लाइन। लेकिन सरकारी इंजीनियर इतना डीले किया सब कि ईरान कैंसिल कर दिया। हमारे देश का सरकारी इंजीनियर सब सड़क बनाता है, उसमें गड़िया बिना मतलब है हचका खाती है। बराबर सड़क गया पे हचका खाने लगते, लगता खांसी हो गया इसको। ऐसा नहीं तो बनाएगा सब सरकारी इंजीनियर भारत में। जानते हैं एक जो जैसे नाली सड़क ही सब बन रही है ना, इसमें ऑडिट की जिम्मेदारी, ऑडिट की जिम्मेदारी उस मोहल्ले के लोगों को दे देना चाहिए कि जब भी मसाला बनेगा तो उस गांव का आदमी, 10 परिवार का आदमी वहां रहना चाहिए। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके साथ वो बनना चाहिए वीडियो के रिकॉर्ड। और अगर क्वालिटी खराब आया तो मोहल्ले के लोगों से सवाल पूछा जाएगा, एक महीना बिजली काट दे। मोहल्ला का आदमी ठेकेदार के कपार पे बैठ जाएगा, ते तुरी के 12-1 का तुम मसाला डालेगा रे, 5-1 का मसाला डाल, कितना? 5। बस गांव वालों की जिम्मेदारी दे दे, कुछ ठेकेदार से अच्छा काम करा लियो। गांव का आदमी का काम साइन ना करो, मिलावट और करप्शन बिहार का बंदा। अरे क्वालिटी को गोली मारो, अपन घर प्लास्टर करा लेगा। समझे? सीढ़ी बना सीढ़ी ना, तो हम उठे ना लगे तो जो आज यो वोट में मुखिया को धमकी देगा। हाँ मुखिया, और ये अगली बार वोट मांगे बताई तो। अरे अरे मुखिया ठेकेदार से कर, अरे वोट का बात है तो प्लास्टर कर दे।
गांव का आदमी तो छोड़ने वाला नहीं, दिक्कत क्या गांव के आदमी को अधिकार ही नहीं दिया। तो बेचारा टुकु टुकु देखता है, लोग कहते देख रहे कितना घटिया मसाला लगा रहा है, क्या करें मुखिया जी का आदमी है। वो बोलता है पूछ काच दे, तो उसको थोड़ा प्रभाव ढंग से करें। यहाँ पर ये जगह कौन हो गया वो जाहदान, ये चाबहार, यहां से यहाँ क्या ले जाना है रेलवे लाइन, और इस रेलवे लाइन को काबुल से जोड़ देना है। कहां से काबुल, कहां से काबुल, दोनों देश ऐसे हैं अफगानिस्तान काबुल का वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान। तो सोचिए अब ध्यान से देखिए कोई एक देश है जो घेर रहा है, कभी भी धोखा दे सकते हैं। हमारा एक सैन्य अड्डा दुशांबे में है, तो इस रेलवे लाइन को अगला जगह है दुशांबे। कहां कौन घिर गया, छोटे मोटे देश है, कुछ खतरनाक रेलवे लाइन है कि नहीं है। लेकिन गलती क्या हो गया कि ठेका किसको दे दिया गया, सरकारी इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर ने क्या कर दिया, नाश दिया। सभी लोग तो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, ये हो गया आपका कौन जगह, वही लोग चाहते हैं जिनको काम नहीं करना। एक और बंदरगाह होगा, बंदर अब्बास, बंदर अब्बास, एक ये जगह हो गया चाबहार, ये हो गया बंदर अब्बास, बंदरे अब्बास। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में गैस खोजा गया है, क्या खोजा गया है, और ये गैस इंडिया ने खोजा है। किसने खोला है, इंडिया ने। अभी बताओ इतना पैसा लगाया है इंडिया, ईरान को मरने देंगे हम लोग? देखो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी जब हम वेस्टर्न कंट्री में भरोसा करें। अमेरिका जिस दिन फ्री हो गया वो अपना नया दुश्मन खोजता है, और चाइना के बाद उसका अगला दुश्मन कौन है, हम लोग हैं यहाँ पे। इसलिए अमेरिका को उलझा के रखना है, और हम लोग कहेंगे यहाँ पे यहाँ गैस पाइपलाइन। अब सोचिए अगर यहाँ से हम लोग गैस एक्सट्रैक्ट करना चालू करें तो हमारे यहाँ गैस सस्ता होगा कि नहीं होगा, आप बताओ मित्र, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस समुद्र के किनारे देखें, कोना में मिलेगा आपको एक जगह आबादान, एकदम कोना में आबादान मिल गया, आबादान, आबादान मिला। बहुत बड़ा पेट्रोलियम भंडार है ईरान का आबादान, और उसी के बगल में इराक का होगा अल बसरा, इराक का सबसे बड़ा तेल खदान अल बसरा, और ईरान का सबसे बड़ा आबादान, दोनों एक ही पास है कि नहीं। और पूरा कुवैत में तेल निकलता है, पूरा कुवैत में क्या निकलता है, तेल, समझ गया, पेट्रोल बहुत बड़ा भंडार है तेल वगैरह का, समझा गया, किसी को दिक्कत। ईरान पे जिस दिन हमला होगा ना, दुनिया में तीन देश पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे आगे है, रूस, ईरान और सऊदी अरब। तो रूस तो पेट्रोल को निकालना कम कर दिया है, पेट्रोल की प्राइसेस महंगी हो गई है, तो अमेरिका सऊदी अरब को कह रहा है कि तुम पेट्रोल थकाथक निकालो, ताकि पेट्रोल ज्यादा रहेगा तो प्राइस नहीं महंगा होगा। ईरान तो निकाल ही रहा है अपना, अगर युद्ध में ईरान भी फंस गया तो ईरान को बर्बाद करने के लिए सऊदी अरब अपना एड़ी चोटी हाथ पैर गर्दन सब लगा देगा। इन लोग का बस चले तो परमाणु बम मार दे सब इस पे, मार दे परमाणु बम, ऊंट है क्या परमाणु बम, वो न्यूक्लियर नहीं, मिडिल ईस्ट वालों को पास है कोई चीज, अल्लाह मेहरबान तो कदा पहलवान, उन सबका पेट्रोल है बस, अंगा गया कि नहीं आ गया, बस पेट्रोल, पेट्रोल और ऊंट, खजूर, ऊंट पे बैठो खजूर खाओ, लेकिन पेट्रोल है, वही हो गया यहाँ पे। अभी ये अमेरिका को कह रहा है मारो, हद देखिए, इजराइल को कह रहा है ये कि मारना मिसाइल का दिक्कत है, इजराइल कह रहा है कि पकलोल है हम, पिछवा रूस खड़ा है बैकअप में, कौन खड़ा है, कोई नहीं खड़ा, रूस खड़ा है बैकअप में, रूस धाए दे हथियार दे देगा किसको, ईरान को। अमेरिका समझा रहा है इजराइल को, ए बर्दाश्त कर ले भाई, बर्दाश्त कर ले, बर्दाश्त कर ले, कहा कि जहां तुम हमला करेगा मरता क्या ना करता, रूस से चल जाएगा हथियार खरीदने के लिए एकदम, और फिर रूस को ले आके यहां बैठा देगा, और जैसे रूस यहां आ जाएगा ना, ये सब अमेरिका के दोस्त है, सब किसके दोस्त है, सब अमेरिका। इसलिए अमेरिका समझा रहा है भाई जो भल तो छोड़ दो, फुला जाओ तू तो मरले बड़ा, गांव में आदमी ऐसे ना झगड़ा सुल जाता है, जाए तो दोनों लग मरले बड़ो, बात बराबर हो गई, छोड़ दो लोग अब जा लो। अमेरिका क्या कर रहा है, समझा रहा है, वो कहता है हमारे यहाँ चुनाव है, लोग कहेगा कि मैं पिता के बैठ गया, तो हमको एक काम कर दिए, फेस वॉश हमला करने दीजिए, फेस वॉश हमला समझते हैं, फेस वॉश करते हैं तो क्या चेहरा बदल जाता है, दूर जाता है, पर आके ईरान को बता के कहेंगे कि कहाँ हमला करेंगे, ईरान को हम बता देंगे कहाँ कहाँ मिसाइल मारेंगे,
2 घंटा पहले ही वहां से ईरान सबको हटा लेगा, हम यहाँ मार देंगे यहाँ धाए धाए। ईरान को कहेंगे कि अपनी मीडिया से कहना कि सारी मिसाइल को मार दिया गया, और हम अपनी मीडिया को कहेंगे कि मार के तबाह कर दिए ईरान को, हो गया वोट मिल गया हम लोग को, समझ रहे हो? ईरान अपनी बेइज्जती को सहन करेगा। हाँ अभी तो यही हो रहा है ना, खेल सारा है लोकतंत्र में, बस मीडिया अपने हाथ में। हर देश में बिस्कन्याय है सब, बिस्कन्याय हर देश में समय आता है। मीडिया को बिस्कन्याय ये देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ गई थी हमारी बहन रिपोर्टिंग करने इजराइल में गई थी हमारी बहनिया, वहाँ पे कौन गई थी भाई? हाँ बाप रे बाप, एक बार हमको मुंबई में मिल गई, हम डरा के भागे वहां से। कौन थी बताना? ना ना हमरा से ना डरे लगी, दो चार को सवाल पूछना, हम भागे यहाँ पे। वो नहीं डरी, मैं डर के भाग गया। बुद्धि वाले के पास रहिएगा ना तो आपका ही बुद्धि कम हो जाएगा। पहले जमाने में देखिए ना, बड़े बड़े लोग अपने अगल बगल राजा महाराजा नवरत्न रखते थे ताकि दिमाग मिले, इन बकवासों के पास रहेगा आदमी और दिमाग चल जाएगा यहाँ पे। पूछ रही है आपको ये सब जानकारी कहाँ से मिलता, हम पढ़ के पूछ जी हम कहाँ से लेके आ रहे हैं। पढ़िए अभी आप तो अभी हिंदुस्तान का अखबार पढ़ते हैं, कितना लोग सऊदी अरब का अखबार पढ़ रहा है। भारत के बारे में जानकारी किसी को इकट्ठा करना है, कुछ नहीं करना है, भारत में आने वाले 3 बड़े अखबारों को 6 महीना लगातार पढ़िए। कोई यमन में ओकरा का पता है, लेकिन अगर भारत का वो 3 ठो अखबार हिंदुस्तान दैनिक जागरण प्रभात ये सब कुछ पढ़े 6 महीना लगातार पढ़े, धीरे 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 पार्टी पॉलिटिक्स कौन क्या कर रहा है धीरे धीरे नहीं समझ में आ जाएगा। हमरा से पूछता साहब को अमेरिका के बारे में कैसे पता चल गया, अरे अखबार पढ़ वहां का, हमारे भारत में तो बहुत ही गलत फहमी पाल के हम लोग बैठे हुए हैं, और ईरान जैसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हमें एंड ऑफ द डे में बहुत डेंजरस है, हमें नुकसान ही होगा। अब ये जो ईरान है जो अभी दोस्ती दिखा रहा है भारत के साथ, उसको क्योंकि मजबूरी है उसको, अभी उसने कश्मीर का केस बोला था, हाँ और बोला था, और इसराइल के का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ईरानी है, और वर्ल्ड का भी दुश्मन ईरानी है। जो भी आप देख रहे हो, हमास देख रहे हो, हिजबुल्ला देख रहे हो, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको कौन फंड कर रहा है? ये ईरान ही तो कर रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट किसके थ्रू की जा रही है? ईरान। और ये ईरान अगर डरा नहीं होता तो इसका हेड ऑफ द जो भाग के अंडरग्राउंड हुआ है क्यों हुआ है? वो तो घबराहट वाली, सबको घबराहट हो रही है। तो वही तो, और इसराइल जो है इतना ताकतवर है, उसने अभी हिजबुल्ला का करा नहीं है खत्म, उनका लीडर को खत्म नहीं कर दिया अभी, तो ये कि ईरान के साथ अगर इसराइल ने साफ दिखा दिया कि अगर हमको लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, हम यहीं से, उन्होंने अभी जो स्पीच थी उसमें यही तो बोला है कि नितिन्याहू ने कि हमारी बाजुएं इतनी लंबी हैं कि हम यहां से ईरान को ठोक सकते, ईरान के अंदर भी इन्फिल्ट्रेट कर लिया पूरा, हम अंदर तक घुस गए सब, हमारे लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। और यूएसए का फुल सपोर्ट है इसराइल को, उनको भी पता है कि भैया इसराइल के साथ जो हो रहा है, और ईरान पे सैंक्शंस किसने लगाए हुए हैं? यूएसए नहीं लगाए, वो सैंक्शंस की वजह से ही उसके पास ऑप्शंस नहीं है ईरान के पास, तभी तो वो इंडिया को ये सब काम करने दे रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि उसके पास क्या खुद इतना पैसा है या कुछ नहीं है कि वो अपने लिए रेलवे लाइन बना सके चबार पोर्ट से लेके यहाँ तक, जो इंडिया को कह रहा था। मैं तो कह रही हूँ अच्छा है हमारे पैसा डूबेगा नहीं, अच्छा हमारे गवर्नमेंट वाले जो भी काम करने वाले वो निकम्मे थे कि वो नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ अच्छा है, अभी फ्यूचर में दिखेगा। ईरान भी जब तक मतलब है तब तक कर रहा है भारत के साथ, उसके बाद सबसे ज्यादा तो आपको दिखेगा कि यही अपना असलियत दिखाएगा, पर क्योंकि कट्टरवादी सोच जिस जिस देश में है वहां पे, वहां से दोस्ती करने का हमें कोई फायदा नहीं है। अफगानिस्तान के थ्रू बनाएंगे, अफगानिस्तान भी वही उसी टाइप का है, तो वही एग्जैक्टली। तो इट्स हमारे लिए ये अच्छी प्रपोजिशन नहीं है कि इन लोगों के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करें। तो एनीवे आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।